केबर मेक ऑल गियर्ड पिलर ड्रिलिंग मशीन इन एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन. दिस इज अ मेड इन इटली केबर मेक. दिस इज एन इटालियन ब्रांड पिलर ड्रिलिंग मशीन हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 38 mm, दैट इज 1.5 inches. द मॉडल ऑफ दिस मशीन इज 58 एंड इसमें जो भी स्पीड चेंज है वो गियर चेंज है. इन दो लीवर से सारी स्पीड चेंज है. दिस मशीन ऑल्सो हैज ऑटोमेटिक फीड ट्रैवल्स. इसमें फीड के भी अलग अलग रेट यहाँ दिए हुए हैं. द स्पिंडल डायामीटर ऑफ दिस मशीन इज 70 mm. इट इज कंप्लीट विद अ ड्रिल चक. द स्पिंडल टेपर इज MT4. इसमें जो टेबल है इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं इस पिलर के ऊपर एज पर द लेंथ ऑफ आवर जॉब. एंड जो टेबल है उसको रोटेट भी कर सकते हैं. रोटेट करना. ठीक है, टेबल को रोटेट भी कर सकते हैं. और अगर ज़्यादा लेंथ का जॉब हो तो इसमें नीचे भी टी स्लॉट दिए हुए हैं, तो इस टेबल को पूरा हटा देंगे तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी. ठीक है, इसका सबसे पहले फीड ट्रैवल इंगेज कर दो. ऑटोमेटिक फीड ट्रैवल. हमने इस मशीन का अभी फीड ट्रैवल को इंगेज कर दिया है और जो इसका स्पिंडल है वो धीरे धीरे अभी फीड में नीचे आ रहा है. ठीक है, दिस इज द रोटेशन ऑफ दिस हैंडल शोज दैट द फीड इज वर्किंग. धीरे धीरे स्पिंडल अभी फीड में ड्रिलिंग करता हुआ नीचे आ रहा है. ठीक है, ये फीड डिफरेंट फीड रेट्स ऑफ ट्रैवल. हमने अभी फीड का रेट को मिनिमम कर दिया है 0.06 mm पर रेवोल्यूशन और हम देख सकते हैं कि फीड अभी बहुत स्लो चल रही है. जो हैंडल है वो रोटेट कर रहा है धीरे धीरे. अभी भी स्पिंडल नीचे आ रहा है फीड में. इसको तेज कर दो, 0.2 कर दो. चलते हुए में कर देना 0.2 कर दो. ठीक है, वी हैव इंक्रीज द स्पीड ऑफ फीड ट्रैवल. करंट फीड रेट 0.2 mm पर रेवोल्यूशन. अब सबसे तेज कर दो 0.3. ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम फीड रेट 0.3 mm पर रेवोल्यूशन. ठीक है, इस मशीन में स्पिंडल को हम रिवर्स भी कर सकते हैं. वो दिखाओ एक बार स्पिंडल की डायरेक्शन. डायरेक्शन इधर से उधर से हाथ देख के इधर से आओ उधर से. ठीक है, अभी स्पिंडल हमारा फीड लगी रहने दो. अभी स्पिंडल क्लॉकवाइज चला रहा, अभी हमने एंटी क्लॉकवाइज चला दिया. एंटी क्लॉकवाइज स्पिंडल चलाने में इसका फीड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया. फिर से डायरेक्शन रिवर्स करो. ठीक है, अभी स्पिंडल फिर से क्लॉकवाइज हो गया एंड स्पिंडल का फीड भी अभी नीचे आने लग गया. ठीक है, इसका फीड ट्रैवल एंगेज कर दो. वर्किंग ऑफ द ऑटोमेटिक स्टॉपिंग. हमने इसका अभी फीड ट्रैवल एंगेज कर दिया है और ये लिमिट जो ये स्टॉपर है ये यहाँ सेट किया है. ये जैसे ही इस वाली लिमिट को प्रेस करेगा तो जो भी हमने डिजायर्ड लेंथ ऑफ ड्रिल है उसके बाद इसका स्पिंडल अपने आप फीड ट्रैवल से हट जाएगा और ऊपर चला जाएगा. दिस इज द वर्किंग ऑफ द ऑटोमेटिक स्टॉपिंग फीचर. ठीक है, ये फीड ट्रैवल हट गया, स्पिंडल ऊपर चला गया. ठीक है, डिफरेंट स्पिंडल स्पीड्स. राइट नाउ द मशीन इज वर्किंग एट इट्स मिनिमम स्पीड ऑफ 60 rpm. 60 रोटेशंस पर मिनट. ये तेज कर दो, अभी 220 दिखा दो, 220 rpm. करंट स्पिंडल स्पीड 220 रोटेशंस पर मिनट. और तेज दिखा दो, 300. करंट स्पिंडल स्पीड 320 rpm. 320 रोटेशंस पर मिनट.
ठीक है 600 दिखा दो 600 करंट स्पिंडल स्पीड 600 आरपीएम 600 रोटेशंस पर मिनट और तेज दिखा दो मैक्सिमम दिखा दो अभी 1000 मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड 1000 आरपीएम 1000 rotations per minute. The condition of the machine is very good. It is an all geared type Kaber Italy make heavy duty pillar drilling machine having a capacity of 1.5 inches, drilling capacity of 1.5 inches. The machine is in overall excellent working condition. And all the features are working perfectly fine.